देश के अंदर अगर कोई मुख्यमंत्री रहते हुए किसी ने गरीब आदमी के बारे में सोचा है तो इन्होंने सोचा है। आप सब ने जमीन जायदाद बिकते देखी है इलाजों के लिए, हॉस्पिटल में गया बच्चे का इलाज कराना है, माँ का इलाज कराना है, बाप का इलाज कराना है, जमीनें बिक जाती थी, जायदाद बिक जाती थी। हमने चिरंजीवी योजना के अंदर सबका एक रुपया जेब में ले जाने की जरूरत नहीं, आप सब लोगों ने मेरे साथ रह करके इलाज करवाए, करवाए कि नहीं करवाए, ये पार्षद है साहब, इसका भाई छोटा कोविड में स्कोर 25 out of 25, मतलब लंग्स 100% फेल, और आपने इसका जीवन बचा लिया, वो जिंदा है आज, इससे छोटा है, इसकी उम्र देख लो। तो ऐसे एग्जाम्पल है और ये यही है सामने की सामने। तो चाहे पंचायत में हो, चाहे आगरा रोड पे हो और चाहे शहर के अंदर हो, हमने काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। साहब का, मैं कल भी साहब के पास था तो साहब का डायलॉग था, विधायक मांगता मांगता थक जाएगा और मैं देता देता नहीं थकता। तो मैं आगे कहता सर कि तुम काम कराते कराते थक जाओगे, मैं करता करता नहीं थकूंगा। ये तो मेरा जो डायलॉग था वो बैटरी इधर से आ रही थी सर, तभी इतने जोर से कह पा रहा था। हर मीटिंग पे जाता और यही बात कहता कि तुम काम कराते कराते थक जाओगे, मैं करता करता नहीं थकूंगा, क्योंकि इधर से आवाज थी कि विधायक मांगता मांगता थक जाएगा, मैं देता देता नहीं थकूंगा। तो आज हम सब यहाँ मौजूद हैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ, इससे बड़ा भी एग्जाम्पल नहीं हो सकता कि पूरे संगठन को ये भी निहाल हो गए सर, आज ये भी ऐसी फीलिंग लेके जा रहे, नाश्ता करते हुए फोटो खींच रहे थे, क्या हम ये कह सकेंगे कि सीएम साहब क्या नाश्ता किया आपने। तो आप सबको मैं, जो भी नए अपने वार्ड अध्यक्ष बने हैं, सबको बधाई देता हूं और मुबारकबाद देता हूं, और एक बात की और बधाई दोनों ब्लॉक अध्यक्षों को देता हूं कि वार्ड अध्यक्ष ऐसे चुने हैं कि यंग आदमी भी है, बुजुर्ग आदमी भी है और समाज के प्रतिष्ठित लोग भी है। हमारे सर एक किशोर जी शर्मा है पीछे खड़े हुए, ये पूरे सिंधी समाज का, जयपुर में कोई भी धार्मिक प्रोग्राम होगा, शादी विवाह होगी, कुछ भी होगा तो इनके हाथ से होगा, नहीं तो नहीं होगा, यही कराते हैं। तो सिंधियों के पंडित हैं, लेकिन सिंधियों के पंडित तो है आदर्श नगर के वार्ड अध्यक्ष और बन गए, तो ऐसी हमारा तालमेल है सारा पूरे आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में, इससे बढ़िया एग्जाम्पल कहीं नहीं है। और आज लिमिटेशन रखी मेरे, एक बार मन में थी कि एनएचओ यूथ कांग्रेस और महिला कांग्रेस को बुलाएं, लेकिन फिर मैंने कहा बड़ी हो जाएगी काफी ज्यादा, तो सिर्फ अपने, ये तो वो बेहतर आदमियों की अपनी कोर टीम है, एग्जीक्यूटिव टीम है, 25 तो वो आदमी है जो लड़े हैं पार्षद, और 25 आदमी वो है जो वार्ड अध्यक्ष बने हैं, फिर 11 मंडल अध्यक्ष, 2 ब्लॉक अध्यक्ष, फिर 9 आदमी पंचायतों से, तो बेहतर हो जाते हैं। तो बेहतर आदमी तो एक आवाज भी हमारे साथ में है, और इसके अलावा संगठन के आदमी अलग है। तो साहब के यहाँ आए हैं, हम सबको एक बात का सबक लेना चाहिए, साहब ने एनएसयूआई से जीवन शुरू किया और फिर कितने पदों पे रह गए, मतलब इतने पद हैं कि अपन एक बार में गिना ही नहीं सकते, साहब भी नहीं गिना सकते, इतनी जगह पे रह चुके, 5 बार एमपी रह चुके, 3 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके, केंद्र में मंत्री रह चुके, जनरल सेक्रेटरी रह चुके कई बार, 3 बार मुख्यमंत्री, तो सबको मालूम है। तो इनसे बड़ा राजनीतिक जीवन आज हिंदुस्तान में, इनसे बड़ा लीडर नहीं है कोई भी, और हम सबको इनका आशीर्वाद मिल रहा है, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। प्रेरणा ले आए, ये सबक लेके जाए, जो वार्ड अध्यक्ष बना है वो ये तय करे और साहब को ये वचन देके जाए कि मेरे सारे के सारे बूथों पे ऐसी कार्यकारिणी मिलेगी, अभेद कार्यकारिणी होगी, जैसे चक्रव्यूह था ना, वैसे अभेद कार्यकारिणी बनानी है अपने को, और ऐसी मजबूत टीम खड़ी करनी है कि आदर्श नगर तो कोई दूसरा चुनाव लड़ने से पहले 5 बार सोचे, डिलिमिटेशन भी होगा, इधर उधर भी होगी, लेकिन अपने बूथ कहीं भी चले जाएंगे वो अपन जिता के भेजेंगे, चाहे वो आगरा रोड का बूथ हो और चाहे ऊपर रामगंज का बूथ हो, ये अपने को सबको आज प्रण लेना है।